हेलो फ्रेंड्स, आज आपको हम बताने वाले हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट दो देश का जो फॉरेन ट्रेड होता है उसके रिस्पेक्ट में लेटर ऑफ क्रेडिट एक टर्म यूज होता है। एक लेटर है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है, ये यूज होता है। ये क्या होता है कि एक आपको छोटा सा स्टोरी बता रहा हूँ, इससे आपको समझ में आएगा लेटर ऑफ क्रेडिट का जरूरत क्यों पड़ा। हम लोग मान लीजिए कोई इंडिया से कोई माल मंगाने वाला यूएस से, और वो क्या किया कि उसको पहले ही यूएस वाला को पैसा क्रेडिट कर दिया, तो क्या होगा, यूएस वाला उसको माल भेज भी सकता है, नहीं भी भेज सकता, उसके पास तो पैसा आ चुका है, फ्रॉड कर सकता है। अतः वो फ्रॉड कर दिया तो क्या करेगा, फिर उसका पैसा डूब जाएगा बेचारे का। इसी केस को दोनों देश में हो सकता है ऐसा गड़बड़ी, तो इसीलिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक लेटर ऑफ क्रेडिट का डिज़ाइन किया गया था इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, इसका नाम है UCPDC 600। अभी जो रिसेंटली यूज हो रहा है UCPDC क्या होता है, यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। ये जो यूज होता है इसमें बहुत सारा रूल रेगुलेशन बताया गया है कि कोई भी लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करेगा वो कौन करेगा, वो बायर करेगा, मतलब जिसको माल खरीदना है वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर, मैंने लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करेगा किसके थ्रू, इशूइंग बैंक के थ्रू। इशूइंग बैंक को बोलेगा कि हमको एक लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन कर दीजिए, इस देश में हमको माल मंगाना है, उसका खाता नंबर ये है, उसका टर्म्स एंड कंडीशन इतना माल मंगाना है, इतना इतना कोटेशन है मेरे पास, और उसको हम कोटेशन हम भेज रहे हैं, और उसको बताइए कि हम एक लेटर ऑफ क्रेडिट उसके नाम पर। तो उसके लिए इशूइंग बैंक क्या करेगा, उससे पैसा लेगा, और उस पैसा का लेकर उसको उसको इशूइंग एक लेटर ऑफ क्रेडिट देगा। इशूइंग बैंक किससे पैसा लेगा, जो बायर है उससे पैसा लेगा, लाओ भाई तुम हमको दो पैसा, जितना का माल मंगाना है उसका पैसा दो हमको, हम उसको इशू कर देते हैं एक लेटर ऑफ क्रेडिट। वो अपना मार्जिन जो भी रखना है, उसको बेनिफिट जो करना है वो ले लेगा उसने। उसके बाद वो क्या करेगा, एडवाइजिंग बैंक होता है एक, कहाँ होगा एडवाइजिंग बैंक, जो जो माल बेचेगा उसके कंट्री, उस कंट्री में कौन सा होगा, एडवाइजिंग बैंक होगा, जो एडवाइस करेगा किसको, सेलर को, सेलर मैंने एक्सपोर्टर, अब जो माल मंगा रहा उसको क्या कहते हैं, इम्पोर्टर। एक्सपोर्टर को एडवाइस करेगा कि भाई हाँ लेटर ऑफ क्रेडिट आपके बिहाफ में हमको इस कंट्री से आया हुआ है, और आपको इतना माल उससे डिमांड कर रहा है आपसे, आप उसको माल दीजिए। तो वो क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा उस माल को भेजने के लिए। तो प्रोडक्शन जब स्टार्ट कर देगा, तो जब प्रोडक्शन हो जाएगा तो क्या करेगा, शिपमेंट करेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं। तो शिपमेंट करेगा किसको, तो शिपमेंट करके डॉक्यूमेंट मिलेगा, जो शिपमेंट हो रहा है उसका डॉक्यूमेंट उसको मिलेगा, बिल ऑफ लो लेडिंग मिलेगा, वो क्या करेगा, फिर वो अपने एडवाइजिंग बैंक को दे देगा, लो भाई ये एडवाइजिंग बैंक, ये आप मेरा शिपमेंट ऑफ लेटर है, ये आप लीजिए, और वो आप इशूइंग बैंक को दे दीजिए, मैंने जो बायर है या इम्पोर्टर उसको दे दीजिए। इशूइंग बैंक को वो दे देगा एडवाइजिंग बैंक, जहाँ से लेटर ऑफ क्रेडिट उसको आया है, और वो क्या करेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट अप्लीकेंट को दे देगा। अप्लीकेंट कौन है यहाँ पर, बायर, बायर है भैया इम्पोर्टर जो माल मंगा रहा, और वो उसी के बिहाफ में उसको पैसा छोड़ने के लिए बोलेगा। बट अभी भी हम लोग को एक चीज़ जानना है, नेगोशिएटेड बैंक क्या होता है, नॉमिनेटेड बैंक क्या होता है। तो नेगोशिएटेड और नॉमिनेटेड बैंक और रिवर्सिंग बैंक एक ही होता है, जो कन्फर्म करता है, किसको कन्फर्म करेगा कि भाई जो तुम डॉक्यूमेंट भेजा, जो बिल ऑफ लेडिंग तुम भेजा, उसमें अभी कुछ गड़बड़ नहीं है, एडवाइजिंग बैंक को बताया कि आप कोई गड़बड़ भेज दी है, अभी कुछ भी वो गड़बड़ रहता है तो वो उसको बताता है, और नॉमिनेटेड बैंक ही पैसा छोड़ता है। कौन बैंक छोड़ता है, नॉमिनेटेड बैंक, और रिमर्सिंग बैंक ही पैसा एडवाइजिंग बैंक को देता है, मीन्स बायर को देता है। बहुत सारे केस में एडवाइजिंग बैंक और नॉमिनेटेड बैंक सेम भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग ही हो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, पर जब तक उसमें तृतीया रहेगा लेटर ऑफ क्रेडिट में, वो नॉमिनेटेड बैंक उसको देगा। एक कन्फर्मिंग बैंक भी होता है, कन्फर्मिंग बैंक क्या करता है, सेलर को, जो माने एक्सपोर्टर है, जो माल भेजने वाला है, उसको गारंटी देगा ऑन द बिहाफ ऑफ इशूइंग एडवाइजिंग बैंक कि भाई यदि वो पैसा नहीं देता है एडवाइजिंग बैंक हमको, हम तुमको गारंटी दे, वो अपना गारंटी फीस भी लेता है इस केस में, इस ऐसा नहीं कि वो फ्री में दे देगा आपको, और गारंटी फीस भी लेगा, हाँ भाई गारंटी फीस है लीजिए, अभी आपको ये जो क्रेडिटर है गड़बड़ कर रहा, तो वो अपना फीस लेकर उसको गारंटी दे रहा, एडवाइजिंग बैंक यदि पैसा नहीं देगा, डिफॉल्टर होता है तो मैं दे दूंगा, तो वो सेलर्स को और एक गारंटी मिल जाता है। तो आपको इसमें समझना होगा कि कौन कौन सा है, इसमें पार्टी कौन सा है, एक एप्लीकेंट होता है जो इम्पोर्टर होता है,
बेनिफिशरी होता है जिसमें एक्सपोर्टर होता है जो माल बेचता है, एक बैंक होता है जो बहुत सारे तरह का बैंक आपको नाम यहाँ पर याद होगा, एक इशूइंग बैंक होता है जो कहाँ पर होगा, जो बायर के साइड में होगा, इम्पोर्टर के साइड में होगा, और एक होता है एक्सपोर्टर, उसके साइड में कौन कौन सा बैंक नज़र आ रहे हैं हमको, एक आ रहा है एडवाइजिंग बैंक जो एडवाइज करेगा लेटर ऑफ क्रेडिट कि सही है ये लेटर ऑफ क्रेडिट है ये आपको मिला है एडवाइज जो क्या था वो, एडवाइजिंग बैंक नॉमिनेटेड बैंक भी हो सकता है जो पेमेंट के बारे में आपको देखेगा कि डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, और डॉक्यूमेंट जो लेटर ऑफ क्रेडिट आया वो सही है कि नहीं नॉमिनेटेड बैंक उसको चेक करता है। रिवर्सिंग बैंक भी वही है जो पैसा को रिवर्स करवाता है एडवाइजिंग बैंक से पैसा लेके नेगोशिएटेड बैंक को देता है, नेगोशिएटेड बैंक उस पैसा को फिर से सेलर को दे देता है, एक्सपोर्टर को दे देगा। लेटर क्रेडिट बहुत तरह का होता है, एक होता है प्री शिपमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, बहुत सारा है, रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट है, इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट है, प्री शिपमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट है, ये बाद में बताएंगे, पर लेटर ऑफ क्रेडिट इतना ही था। पांच इसमें बैंक्स आते हैं, बहुत सारा सवाल आता है नॉमिनेटेड बैंक क्या है, कन्फर्मिंग बैंक क्या है, कन्फर्मिंग बैंक गारंटी करता है, बस इतना ही दिमाग में रखना है। थैंक यू वेरी मच।